हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जेएनवीयू छात्र नेताओं के असंवैधानिक निलंबन व कॉलेज फीस में राहत हेतु रविंद्र समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। बाड़मेर कलेक्ट्रेट के आगे रविंद्र समर्थकों का प्रदर्शन। टायर जलाकर जेएनवीयू के खिलाफ जताया आक्रोश। कॉलेज विद्यार्थियों को शुल्क में राहत देने व जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी सहित 3 विद्यार्थियों को निलंबित करने के मामले में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सोमवार सुबह रविंद्र समर्थकों सहित छात्र शक्ति की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार व जेएनवीयू के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही छात्रों से कलेक्ट्रेट के आगे टायर जलाकर नारेबाजी की। छात्र संगठनों के पदाधिकारी व रविंद्र समर्थक सोमवार सुबह महावीर पार्क में एकत्रित हुए। यहां पदाधिकारियों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जेएनवीयू ने लोकतांत्रिक प्रदर्शन के बावजूद विद्यार्थियों को निलंबित किया है। साथ ही मार्च 2020 के बाद कॉलेज व विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षण कार्य बंद है, इसके बावजूद छात्रों से प्रवेश शुल्क और परीक्षा शुल्क में किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी है। उन्होंने कॉलेज विद्यार्थियों को तत्काल शुल्क में राहत देने की मांग की गई। इसके बाद आक्रोशित छात्र रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के बाद 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई। इस दौरान प्रेम सिंह जयसिंधर, दुष्यंत सिंह दांता, गजेंद्र सिंह गोरडिया, प्रवीण सिंह मिठड़ी, हिंदू सिंह तामलोर, महावीर सिंह कपूरड़ी, झुंझार सिंह रेणाणा, जय सिंह बलाई, दीपेंद्र सिंह ताणु, अजय पाल सिंह दांता, चंपक जांगीर, जसवंत सिंह खारिया, सुमेरदान चारण, अजय पाल सिंह चुली, लोकेंद्र सिंह गोरडिया, मोहन सिंह सोडा, रूप सिंह रामसर, तोगराम मेघावल, पंकज वासु, सतीश आचार्य, भूपेंद्र बेनीवाल, विष्णु सियोल, देव शर्मा, निखिल जैन, गुलाब मेघावल, गणेश कुमावत, मांगीलाल विश्रोही, सूर्य प्रताप राव, कल्याण सिंह चुली, विक्रम सिंह, जसु चारण, सुमेर सिंह महाबर, यशपाल सिंह, खिलेश शर्मा, मोहन सिंह दांता सहित कई जने मौजूद रहे। आरू टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।